हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी जो आपने इंट्रो में जो जिस वीडियो को आपने देखा है, बस इसी वीडियो का आज मैं आपको ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, वो भी काफ़ी डिटेलिंग में। तो वीडियो को मस्ट आपको फुल वॉच करना है। अगर आपने एक भी स्टेप को मिस किया तो आप इस वीडियो के एडिटिंग को नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो के एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मतलब वीडियो को शूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो को शूट करना है, तो वीडियो किस तरह से शूट करना है अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को कहीं पे स्टैंड कर देना है, ठीक है। अपने फ़ोन के को या कैमरे को स्टैंड कर देना है कहीं पे, जहाँ पे आपका फ़ोन या कैमरा ही लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग कर लेना है। एंड एक्टिंग करने के बाद आपको फ़ोन को टच नहीं करना है और आपको फ्रेम से हट जाना है। एक खाली जगह का कैप्चर इमेज आपको ले लेना है। कैप्चर इमेज मीन्स 5 या 10 सेकंड का आपको एक रेंडम ऐसे ही खाली जगह का वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है। एंड ये सब हो जाने के बाद आपको सीधा आ जाना है एडिटिंग पे। आपका जो है शूटिंग वाला काम कंप्लीट हो चुका है। एंड एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कैपकट एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यहाँ इस कैपकट एप्लीकेशन पर काफ़ी स्मूथली इस वीडियो को एडिट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमको एक VPN का यूज़ करना होगा, मतलब कैपकट के सारे फीचर को यूज करने के लिए हमको एक VPN को यूज करना होगा। तो आप किसी भी VPN से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल में एक VPN से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन हो जाने के बाद क्या करना है, अभी मैंने इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी मेरा जो वीडियो है दो पार्ट में है। तो पहला पार्ट जो है मैंने खाली जगह पे जो मतलब वीडियो शूट किया था उसको मैंने रखा है, एंड सेकेंड जो मैंने एक्टिंग किया था उसको रखा है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको इस तरह से दोनों को वीडियो को इंपोर्ट करना है आगे पीछे कहीं भी, ठीक है। इसके बाद टाइमलाइन को थोड़ा सा आपको दोनों फिंगर से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। एंड जूम करते समय एक जगह पे कट लगाना है, जहाँ से आप मतलब फ्लाई करके लैंडिंग कर रहे हैं तो वहीं पे आपको कट लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसको वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड नीचे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से पहला ऑप्शन है स्प्लिट का, इस पर क्लिक करते ये वीडियो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एंड जो बीच वाला वीडियो है इसका मतलब एक आपको इसको लेयर पे लेना है। तो लेयर पे लेने के लिए पहले सबसे तो इस वीडियो को लेयर पे लेने के लिए आपको नीचे का ऑप्शन दिखेगा, उस लेयर को सेलेक्ट करिए पहले, ठीक है। ओवरले का ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक करते ये वीडियो जो है कि कट होकर नीचे लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, इसको इसको इस तरह से लगा देना है। ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको जो आपने लेयर अभी नीचे ओवरले किया था उसको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूवर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ध्यान रहे आपका जो फ़ोन का डेटा है वो ऑन रहेगा, तभी यह बैकग्राउंड रिमूवर वाला ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज, यहाँ से जो मेरा मतलब लेयर था उसके बैकग्राउंड मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ओके। अब क्या करना है, अब आपको वीडियो प्ले करके देख लेना है। अब अभी अभी भी काफ़ी परफेक्ट है आपका वीडियो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना है, उसके एंडिंग पॉइंट पे आना है। एंड यहाँ पे एक प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पे एक की फ्रेम देना है आपको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करना है, एंड यहाँ पे भी एक प्लस देना है, और इस लेयर को पूरा ऐसे ऊपर ऐसे आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। बस आपको इतना करना है। अब आपको प्ले करके देखना है आपका वीडियो, ठीक है गाइस। अभी देख सकते हैं आपका वीडियो जो है कि फ्लाई करके लैंडिंग करते हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा वीडियो हो गया है। अभी क्या करना है, अभी अभी आपने जो मेरे वीडियोस में देखा था कई सारे इफेक्ट्स थे, जैसे लाइटनिंग का इफेक्ट और नीचे गिरने पे जो मतलब वो सारे इफेक्ट्स को ऐड करेंगे अब, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको सबसे पहले अपने वीडियो मतलब ये जो कर्जर है बीच में लाए रहे, इसको सबसे पहले उस पॉइंट पर लाएंगे जहाँ से हम जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लाने के बाद नीचे का ऑप्शन दिखेगा ऐड ओवरले का, इस पर क्लिक करना है। एंड तो आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, को ऐड कर लेना है। एंड ऐड कर लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है यहाँ से, ओके। चपट को डिलीट कर देना है एंड इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में से लेके आना, ठीक है। एंड अब क्या करना है, उसी जो ग्रीन वाला लेयर है उसको सेलेक्ट करना है। एंड अभी अभी क्या है गाइस कि इसके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे क्रोमा की का। तो नीचे इस लेयर को सेलेक्ट करिए और नीचे स्लाइड करिए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्रोमा की का, तो इस क्रोमा की पे क्लिक करते हैं। एक आपको सर्कल सा एक कलर पिकर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक मतलब इसको ग्रीन पर ग्रीन पे ऐसे रखना है। एंड बीच में एक ऑप्शन दिखेगा इंटेंसिटी, इसको क्लिक करके इसको फुल कर देना है 100%, ओके। एंड शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इस शैडो को भी आपको 100% ऐसे कर देना है,
एंड अब क्या होगा, इसके बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा। अगर ये ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जहाँ पे फुली ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो वहाँ पे आपको कलर पिकर को लाकर रख देना है। ओके, इतना काम होने के बाद अब इसको दोनों फिंगर से आपको ड्रैग करके उस पॉइंट पर लेकर आना है जहाँ से आप मतलब जंप करके लैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी जो मेरे वीडियो में आप दिखा था कि लाइटनिंग इफेक्ट मतलब हो रहा था, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको अपने कर्जन को उसी पॉइंट पे लेकर आना है एंड ऐड ओवरले पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ऐड लाइटनिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड सेलेक्ट करने के बाद ये जो मतलब जब आपका जो ये जो लाइटनिंग वाला इफेक्ट जब ऐड होगा तो इसके बैकग्राउंड में पूरा ब्लैक स्क्रीन रहेगा, तो इसको रिमूव करने के लिए स्लाइस पे आना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको लाइटनिंग का, इस पर क्लिक करते ही इसके बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन है फुली रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गया है। अभी क्या है गाइस, ये जो लेयर है ये हमारे बॉडी के आगे है, तो इसको पीछे करने के लिए क्या करना होगा, पहले सबसे पहले आपका जो मेन वीडियो उसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट के लिए उस लेयर को क्लिक मतलब सेलेक्ट करिए एंड एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी का, कॉपी करते ये वीडियो जो है कि दो मतलब कॉपी हो जाएगा। अब इसको लेयर पर लाने के लिए कॉपी वाले वीडियो को सेलेक्ट करिए एंड एक ऑप्शन दिखेगा आपको ओवरले का, ये वीडियो क्या हो जाएगा लेयर पे आ जाएगा एंड इसको पकड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लेकर आना है। ठीक है, तो इसको उसी के बराबर रखना है जो आपका मेन वीडियो है। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ से मेरा अभी क्या करना है, अभी जो लेयर आपने मतलब ड्रैग करके लाए हैं बस उसको सेलेक्ट करिए और इसके भी बैकग्राउंड में जो मतलब इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए एंड यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो चुका है। अब आपका जो मतलब लाइटनिंग वाला जो इफेक्ट है वो आपके पीछे इस तरह से दिखेगा और आपका वीडियो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर आप चाहते हैं जो मेरा पीछे एंटीना है मतलब जो लबी लगाया है छतरी लगाया है, तो मैं वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट बना के, तो आप देख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा लोकेशन आपका है तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसको लाइव प्रीव्यू करके दिखाते हैं अभी जो मैंने एडिट किया है किस तरह से वीडियो दिख रहा है, तो देख सकते हैं गाइज अभी जो मतलब इसको सेव करने के बाद और भी अच्छा लगेगा। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।